हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बची हुई चावल का बारा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बारा बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने बची हुई चावल का इस्तेमाल किया है। वैसे तो नॉर्मली बारा सूजी का होता है, लेकिन हमने बची हुई चावल का बनाया है। चावल को हम मिक्सी जार में पीसेंगे और इसी समय पीसने के दौरान इसमें दही डाल देंगे फ्रेंड्स, ताकि थोड़ा सा खट्टापन आ जाए। इसके लिए हमने लिया है 10 से 12 हरी मिर्च और हरी धनिया, 2 चम्मच जीरा और 2 चम्मच के आसपास अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि हमने घर में ही तैयार किया था। ध्यान रखें फ्रेंड्स, इसमें हमने दही मिक्सी में पीसने के समय मिला दिया था। अब बारी बारी से इसे सब को ऐड करेंगे। चावल हमने 2 ग्लास के आसपास का पका हुआ लिया था। और इन सब को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। काला नमक हम टेस्ट के अनुसार ऐड करेंगे। इन सब को मिलाने के बाद फ्रेंड्स हमारा टेक्सचर कुछ इस प्रकार का तैयार हुआ है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें थोड़ी सी तेल ऐड करेंगे और पीसी हुई चावल को हम यहाँ पे थोड़ी सी सुखाएंगे कढ़ाई में, क्योंकि पीसने के समय हमने इसमें पानी ऐड किया था, क्योंकि बगैर पानी ऐड किए हमारे मिक्सी में ये पीसेगी नहीं सही से। इसे लगभग हमें 20 से 25 मिनट तक कढ़ाई में चलाते रहना है, ताकि इसका पानी सूख जाए और ये हमारा जो डो है थोड़ा सा टाइट तैयार हो, ताकि हम इसे आसानी से बारा का आकार दे सकें। तो 20 मिनट के बाद हमारा डो कुछ इस प्रकार का तैयार हुआ है। हम जो है इसका शेप इस प्रकार से देंगे। हाथ में पहले तेल लगाएंगे, उसके बाद फिर लोई तैयार करके इसके बीच में उंगलियों से बारा का आकार देना है। इसी तरह से फ्रेंड्स हमने सारे बारे को आकार दिया है। हाथ में तेल लगाने से फ्रेंड्स ये अच्छे से तैयार होता है, हाथ में सटता नहीं है ये डो। और देखिए हमने सारे डो को तैयार करके धीरे धीरे एक प्लेट में रखा है। फिर हम इसे कढ़ाई में तलेंगे। आप चाहे तो मीडियम फ्लेम पे भी तल सकते हैं या फिर तेज फ्लेम पे भी। बची हुई चावल के बारे में फ्रेंड्स, तेल बहुत ही ज़्यादा खपत होता है
और जो सूजी के बारे होते हैं उसमें थोड़ी कम तेल लगती है। बारी बारी से हम इन सबको कलछू की मदद से पलटेंगे। ये देखिए हमारा बारा किस प्रकार का तला है, पूरी तरह से तल गया हमारा बारा। अब हम इसे निकालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा है टेक्सचर इसका। चावल के बारे फ्रेंड्स ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से सॉफ्ट। तो हमारा बारा सब बन के तैयार हो गया फ्रेंड्स। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। आप इस बारे को चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं या फिर टमाटो केचप के साथ खा सकते हैं। हमने इसके लिए हरी मिर्च को फ्राई करके रखा था। हरी मिर्च और टमाटो केचप के साथ बारा खाने का कुछ मज़ा ही अलग है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने थोड़ी सी टमाटो केचप का प्रयोग किया है क्योंकि इसके साथ खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है हमारे बारे में। थोड़ी सी धनिया से गार्निश करेंगे। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके तैयार है फ्रेंड्स। आप भी इसे अपने घर पे बनाएं और अपने फैमिली को खिलाएं। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की रेसिपी के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब को बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद जय भारत।